बिरजू भाई, बिरजू भाई। राधा, तू सोई ना इब तक? मन नींद कठे आवे बिरजू भाई, पण तू इतनी रात माई क्यों जाग रही है? एक खातिर जाग रही हूँ कि दिन माई अंधेरो ना हो। मतलब? मतलब साफ है राधा, वर्तमान की जिया आपनू, भविष्य अंधकार में ना हो। मैं खूब जानू थारे भविष्य ने, थारे रामू ने। आ सारी मेहनत तू बी वास्ते ही तू कर रही है। हाँ राधा, बी के खातिरी तो मैं दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हूँ। पाई पाई जोड़कर बीरो दाखिलो मैं अंग्रेजी स्कूल में ही कराऊं। फिर देखना एक दिन मारो रामू किया पिटर पिटर अंग्रेजी बोले। मने विश्वास है थारी लगन एक दिन जरूर चमत्कार करेगी। बात चमत्कार री कोनी, अभिशाप री है राधा। अनिरक्षरता अपना समुदाय ने निगलती जा रही है। पर एक दिन आवेला जद मारा रामू के सागे बस्ती का सगला टाबर पढ़ लिख कर पढ़ जावला अफसर, फिर अपनी बस्ती में ना कोई भुखमरी होसी और ना ही कोई बेरोजगारी। बस राधा, होवेली तो सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली। एक मिनट। राम राम मैडम जी। राम राम। के दिखाऊं मारकन, करछी, चमचा, तवा, सगली चीजा है, आप बताओ। ये मुझे झरनी दिखाना। वाह, बहुत मजबूत बनी है। पर कीमत सही लगाना इसकी। जी मैडम जी, आप देखो, एक तो थे मारा पहला ग्राहक, ऊपर से नारी, और नारी तो लक्ष्मी को रूप होवे। लक्ष्मी का हाथ सूत जो मिल जावे, भैया 120 रुपए की है। ओ, बहुत खूब। वैसे तो कह रहे हो कुछ भी दे देना, और बातों ही बातों में कीमत भी बता दी। बड़े दिलचस्प आदमी हो आप, अब तो पूरे ही पैसे देने पड़ेंगे। हाँ बिरजू भाई, बिरजू भाई, बिरजू भाई, मैडम जी ना कहो ना मारी झरनी ले ले वे। बच्ची 4 दिन आंसू भूखी है, घर में एक पीसू भी कोन्या, इतना दिन आंसू एक भी सामान ना बिक्यो है। हाँ मैडम जी, अब राधारी झरनी ले लो, आ मारी से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इम एक माँ की आस भी मिलेड़ी है। थे आए ले लो मैडम जी। अच्छा, मैं राधा से ही ले लेती हूँ। बहुत सुंदर, ठीक है मैडम जी, फिर आई जो मैं था के लिए बहुत बढ़िया सामान बना के रखूंगो। बिरजू भाई, मन माफ कर दो बिरजू भाई, मैं मारी बच्ची री भूख री खातिर थारी पहली बोहनी खराब कर दी। वाह राधा, तू माँ है और मैं मामा, और बिया भी छोरिया तो आपने देवी को रूपी होवे। बाका भोग रो इंतजाम जो करना पड़े है, इंतजाम होगो मारो के मारो राम रखवाड़ो, मैं आने शहर में बेच लूंगा, ठीक है? बाबूजी राम राम, एक नंबर को माल है मारकन।
छेनी हथौड़ी कढ़ाई कुदाल सब कुछ है हमारे पास, थे तो एक बार इन देखो, चाहे फसल कटवाओ चाहे घर में सजाओ। मारा भाई सकल सु मैं तने बेवकूफ लागू हूँ कहीं, जब विदेशी रो माल आधी कीमत पे मिल रहे हो तो थारो माल कौन लेओगो? अरे बाबूजी विदेशी रो राग छोड़ो, देसी अपनाओ, मारा माल में पूरी मजबूती है, यकीन करो महार पे, या बिरजूरी जुबान है। मारा भाई आज रा जमाना में बड़ा सु बड़ा आदमी री जुबान री कोई कीमत कोनी, फिर थारी जुबान री कहीं गारंटी है? बाबूजी महाराणा प्रताप का युग से लेके आज तक सदियां बदल गई, जमानो बदल गो, पर नहीं बदली तो मां की जुबान। थारी बात में दम है भाई, बता कतरा की है दांतड़ी? बाबूजी जो इच्छा है दे दो। ठीक है। राम राम सेठ जी। आओ जी बिरजू जी। सेठ जी मैं 2,000 रुपए दे दूं। क्या कपीसा? वो आपने माल दियो ने दुकान के लिए। माल तो बिको ही को नहीं। अरे इन्हीं को माल वापस दे दे। ना ना सेठ जी, आज नहीं तो कल माल बिक जासी। या है पीसा को कहीं है, पीसा तो आता रहसी, तो चालू सेठ जी। राम राम। राम राम सेठ जी। राम राम भाई। बोल भाई कहीं चाहिए? एक एक किताब चाहिए। वो तो ठीक है, अपन किताब रो नाम तो बता। इब मन वो नाम तो पतो को नहीं। तो फिर पण बा होवे ने अंग्रेजी वाली किताब। हाँ हाँ। अरे हाँ रामो बेटो है जी मारो। अच्छा अच्छा। चित्र वाली देना। हाँ जी। चित्र देख देख कर वो पढ़ लेवे। हाँ जी भाई देसिया। दे भाई चित्र वाली किताब दे। ले भाई थारी चित्र वाली किताब ले। बहुत बहुत आभार सेठ जी। किता की है? 50 रुपए की। ले पकड़ 50 रुपए उठा। बैठा रहा हूं। आभा कुंजी है जो एक दिन तन कलेक्टर जरूर बनाओगी और भी सपना ने पूरो करेगी जो मैं थारी माँ के साथ मिलकर देखा कर। तो राम राम लाला जी। आटो दे दो। आ 50 रुपया तो जमा हो गया हिसाब का, बाकी बचा 34,950। इब मैं उधार दूंगो नहीं। ना ना लाला जी, ऐ पैसा तो मैं आटा वास्ते दियो। भैया भी शाम ढलती जा रही है, घर टाबर भूखो है, और था का पैसा तो मैं पाई पाई करके चुकाऊंगा। मैं कोई धर्म घातो को नहीं चला रखी हूँ, धंधो करूँ धंधो, पण थारा या धंधारी हालत मैं चौकी तरह समझूं।
ना तो थाने उधार में राशन मिलेगा और ना कच्चा माल खरीदने के वास्ते पैसा है मार्केट। ना लाला जी ना, धंधा में तो उतार चढ़ाव चालतो ही रहे, मारो माल आज नहीं तो कल बिकी जासी, मैं थान पूरा पैसा चुका दूंगा। अरे मूर्ख सपना मत देख, सामने री हकीकत देख, थारो माल आज बिके ना कल, क्योंकि यो मशीनारो युगे, चोखो माल सस्ता में बिके। ना लाला जी, मशीना भी तो इंसान ही बनावे, और फिर जो आदमी का हाथा सु बनावे, बा में जो चीज होवे वह मशीना में कठे हुए। बाया भाषणा सु माल कोनी बिके, ई बात ने तू जितनी जल्दी समझ जाएगो उतना फायदा में रहेगो, बनना मेरे के है, मैं तो मेरे कर्जो वसूल कर लूंगा सूद लगा के। हाँ एक काम कर तू, थारा छोरा ने मारे काम के वास्ते भेज दे, पेट रे वास्ते रोटी तो मिल जासी मिने, और तू जो यो सपनों बना रखा है कि मारा छोरा ने पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाऊं, यो सपनों ही रह जाएगा, क्योंकि मजदूर को बेटो मजदूर ही रहेगो। लाला जी मारो छोरो तो कलेक्टर ही बनेगो, चाहे फिर मन अपने आप ने गिरवी रखनो पड़े, यो एक बाप रो वचन है अपने आप सु। पर खैर छोड़ो, यह बात थाके समझ में कोनी आवे, थे तो सिर्फ रुप्यारी भाषा समझो हो, रुप्यारी। चालू हूँ लाला जी। दारू दारू दारू, हर टाइम दारू, होश में आओ, बच्ची ने दूध खातर भी पी सको ना, बात तो बिरजू भाई की वजह से एक छिन्नी बिक गई, नहीं तो बिरजू की भेड़, वास बंद कर दारी और निकल मारे घर से, नहीं तो थारा जेवर भी बेच दूलो, एक एक कर 400 रुपया चंदी। इन्हें मारो कहीं कसूर है? नहीं कसूर मारो है, मारो कसूर जो थारी जैसी ने झेल रहे हो, मैं मारो कसूर है। अरे एक छोरो जन देती तो बुढ़ापा में मारे दारू को जुगाड़ तो कर देता वो, लेकिन नहीं जद जागो जदी सवेरो, अभी तो मैं जवान हूँ, एक और लुगाई ले आएंगे, और तू निकल निकल मेरे घर से, निकल जा। क्या कर रहे हो शंकर तू, औरत जात पर हाथ उठाता तन शर्म को नहीं आवे? बिरजू मैं थारी घणी इज्जत करूं, और वो मारा घर को मामलो है, तू बीच में नहीं आओगो? ना बिरजू भाई ना। नहीं राधा, यो मारा समाज रो मामलो है, के कसूर है को चार चार मेटेरी माँ है बस। आई समस्या है बिरजू भाई, आई समस्या है। अरे मूर्ख, बेटियां तो देवी रा रूप होवे, सगला बाने दुर्गा भवानी लक्ष्मी का रूप में पूजा करे, और बई देवियां जद बेटियां बनके अपना घर में आवे तो थारा जैसा मूर्ख पाको तिरस्कार करे, दिखा रहे थारी सोच और थारे पे। अब सुन, मारी बहन ने सम्मान से अंदर ले जा, वरना वरना के बिरजू भाई के। शंकर काका। शंकर काका, मारा बापू लोहार है, लोहार वे भी असली, अगर एक खोला दी मुक्का पड़ गया ना तो ते उठोगा कोनी, उठ जाओगा, आई समझ में मारी बात? अब तो समझना ही पड़सी, चाल मारी भगवान चाल। बाता तो ते बड़ी चौकी करो बापू, जरूरत पड़ने पर हाथ पैर भी चला सकू। अच्छा पन बेटा जी, अपन हाथ पैर चलाने से ज्यादा तो पढ़ाई पे ध्यान देनो है,
है ना? बात आई समझ में थारे? आई आई अरे ओ झुमकी, अरे कठे है मारी महारानी। अजी महाराज सरताज अठे ही तो है था कि कामनगार। खुशबू तो बड़ी चोखी आ रही है, क्या क्या बनायो आज पकवान में? बाजरे री रोटी है, सरसोरा साग है, बीके सागे झुमकीरा घना सारा प्यार है। अरे वाह भाई बावली झुमकी, थारी प्यार भरी बाता सु तो मारो पेट भर जावे। खैर छोड़, देख मैं थारे खातिर काय लायो हूं। आ तो या वही लहंगा चोली है जो तने बी दिन दुकान पे पसंद आई, पर बी दिन तो मारे कन पीसा हा को नी, पर आज मारो सगलो माल बिक्यो। हे मारा राम जी, थे मारा घर संसार ने हमेशा खुशियां देता रहो। बावड़ी थे तो खुश हो ना? मारी असली खुशी तो थे हो जी। राम जी सु प्रार्थना है थे मारी आखरी सांस तक मारा हिवड़े के माए धड़कन बनकर रहो। अरे मारी झुमकी, पेट में चूहा दौड़ रहा है और थे मीठी मीठी बातें करो। भी ना जी, चलो। जो आ गयो। बस 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 बस, रामू क्या कर रहे हो? बापू लागे है कि थारी नजरें कमजोर होगी है, दिखा कोनी, औजार बना रही हूँ। औजार? चल बेटा उठ। ना बेटा जी ना, थाने दोबारा यो काम कोनी करनो है, क्योंकि थाने तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है। कलेक्टर क्या हो गया बापू? कलेक्टर? यो बहुत बड़ो अफसर हो बेटा जी, इको फरमान तो लोगा वास्ते सब कुछ होवे। पर बापू तू ही तो बोले है लोहार को काम ही उनकी पहचान होवे। बेटा जी सवाल तो पहचान हो ही है, भी पहचान ने बचावन खातरी तो मैं तन कलेक्टर बनानो चाहूं बेटा। जी दिन थे कलेक्टर बन जाओला, ती दिन मारा हूं और मारा समाज सु कोई भी अपनी पहचान कोनी पूछनो। अरे मारा राम जी, मैं तो बाता ही बाता में भूल गयो, मैं थारे लिए कुछ लाया हूँ, मैं लेके आऊँ थे अठे बैठो हैं। देख थारे वास्ते मैं अंग्रेजी की किताब लाया हूँ, आज से ही पढ़नो स्टार्ट कर दे। अरे बापू कमाल कर रहे, अंग्रेजी न तने पढ़नी आवे ना मने, फिर पढ़ेगा और पढ़ावेगा कौन? तू ई बात री चिंता छोड़ दे,
मैं थारे वास्ते चित्राली किताब ले हूं। या देख इमे चित्र देख और पढ़नो सीख जाओ लो। और बिया भी तू चिंता मत कर, मैं थारो जल्दी दाखिलो अंग्रेजी स्कूल में करा देसु। अब सुन, यो पेट है ना इमे भूख लाग रही है, जल्दी से खानो खा ले, नहीं तो चूहा अपना पेट ने खा जावला है ना। चल आ जा। ले बेटा खिचड़ी खा ले, पेट के वास्ते बहुत चुकी हुए। ओके बापू, सारी के सारे हमारे थाली में डाल दी, अब तू के खावेगो? ना बेटा, इसी कोई बात को नहीं। आज मैं कहीं माल बेच पे गयो ना, तो एक ग्राहक के घर पेट भर के खा लियो, तुम्हारे पेट में जगह ही को नहीं। इब तू खा ले। क्यों झूठ बोल रहे हो बापू? आ क्यों नहीं बोले कि ना तो माल भी क्या और ना लाला उधार दिया? मैंने थारी और लाला की सगली बातें सुन ली है बापू। ठीक है तो कह रहे हो लालो, मैं बीकी दुकान में काम करूंगा, फिर अपना सारो कर्ज उतर जासी। बापू भैया भी तकदीर आपने साथ कठा दे बे। बेटा एक बात याद रखिए, तकदीर भी बीको साथ देवे है जो जीतनो जाने है, और जीत बीकी होवे है जिन हार से डर को नहीं लगे। और फिर हर रात के पाछे सुबह जरूर होवे है, बस आपा ने उजियारे इंतजार करना पड़े। फिर बेटा जी जीवन में तो मुसीबत आती जाती रहे है, असली योद्धा तो वो हो वे है जो उ मुसीबत रो डट के मुकाबलो करे। बापू थारी कसम, तू तो मारो हौसला बढ़ा दियो, ई बात पर तू भी थोड़ी सी खिचड़ी खा ले। हीरो कटे जा रहे हो है? इधर आ। राम राम गार्ड साहब, राम राम। आहा राम 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 राम। हीरो कटे जा रहे हो है, चुपचाप चोरी छिपे हैं? वो कहीं है गार्ड साहब, मैं बड़ा साहब से मिलबे जा रही हूँ, दाखिलो कराना ना रामू को। रामू को? हाँ जी रामू, बेटो है मारो, भी कोई तो दाखिलो कराना आया हूँ मैं। अब ई उम्र में मारो दाखिलो तो होवे कोनी। अरे बावले, पहली अपनी हालत न देख और पाछे इमारत न देख, समझो? अरे आसमान में ऊपर मुंह करके थूकेसु, थूके तो आपनो थूक आपने ऊपर ही गिरे। मैं तो इतो जानू गार्ड साहब, ये खुला आसमान में पंछी अपनी उड़ान भरे है, और इब तो मारो रामू भरसी सफलतारी उड़ान। अरे भावड़े, तूने कड़क सिंह की नरमी देखी है गर्मी नहीं, चुपचाप सु अठासु खिसक ले, वरना कड़क सिंह के सामने तो बिजली भी को निकल गए। राम काका, बिरजू राम बाप कोनी, अब आपा सगला री जिम्मेदारी है कि आपा सगला मिल पीके घर संसार बारे में विचार करा। म्हारी इच्छा है जिथे राजी हो तो झुमकी रोब्या बिरजू सागे हो जाए। राधा बात तो बहुत सही कह रही छे, बिरजू रे सागे ब्याह कर दो ने एक छोरो छे। जो थारी इच्छा वही म्हारी इच्छा, बोल झुमकी थारी के इच्छा है।
झुमकी तने पकर ये लाग रहे है जिया चांद अपनी चांदनी ने बिखेरबा खातिर मारी बस्ती में उतर आयो है। अब या तो राम जी ही जाने कि मैं तारीफ के काबिल हूं भी कि नहीं। तू के काबिल है यू तो बस मारो दिल जाने। और जानो जमकी दिल का दे झूठ को नहीं बोले। अच्छा जी तो फिर यू बताओ के बोले है था को दिल। बोले है बिरजू जन्नत री सबसे खूबसूरत हूर इब थारी है। बाता तो चोखी करो। यकीन करो इंसान भी चोको ही हूं। लो जी मैं तो बाता में भूल ही गो मारा चांद्र वास्ते मैं एक तोहफो ले आयो जो मारी झुमकी री खूबसूरती पे चार चांद लगा देओगो। पण मारा असली कहना तो थे ही हो जी हमेशा मारे हिवड़े दा हार बनकर मारे सागे रही जो। राधा बिरजू भाई भाभी री याद आ रही है। हाँ राधा एक बीरी याद और रामू आ दो कारणा सुई तो मैं जिंद हूँ वरना तो। बिरजू भाई थाका मन में काई चाल रहे है। रामू रो भविष्य मेरे भविष्य री नींव शिक्षा सु राखनी है। बिरजू भाई आपा लुहार हाँ आ लुहारगिरी ही अपनो पेशो है आपा सदिया सु यही काम करता आ रिया हाँ तेना यकीन है कि पढ़ाई सब बदल देवेगी। हाँ राधा शिक्षा ही वो हथियार है जिकी कोई काट को नहीं। धन दौलत सोना चांदी आ सगलान तो कोई भी छीन सके पर शिक्षा रा ज्ञान ने आपा सु कोई भी अपनी ताकत सु कौन छीन सके। और भी ई युग माए पग पग पर शिक्षा रो बड़ो महत्व है। और जाने है राधा यो हार झुमकी ने बहुत पसंद हो बड़ा चाव से पहना करती मारी झुमकी पर आज इन रामूरा दाखिला खातिर बेच दूंगो। ओके कह रहे हो बिरजू भाई ये हार तो भाभी री आखिरी निशानी है। झुमकी री सबसे प्यारी और अनमोल निशानी तो बिको रामू है बिका आगे ये सोना चांदी रो खाई मोल। सेठ जी एक काम खाती रहे बैठ हाँ मैं पाछो करूं फोन। हाँ भाई बोल। एक काम से आया हूँ सेठ जी। अच्छा अच्छा के काम है बोल। यो हार बेचनो है। अच्छा अच्छा ले रे भाया थारा खरा माल रहा खरा पीसा गिनले भाया गिनले। सेठ जी गिनबा की जरूरत को नहीं था कि ईमानदारी का चर्चा तो दूर दूर तक है। ठीक है चालू। अरे भाया सोना चांदी चीज ऐसी हुए चोखा चोखा को मोह कौन छूटे। सबसे ज्यादा मोह तो अपना सु होवे वह भी जीवन की राह में वक्त के साथ दूर चला जावे है पर कुछ चीजा दिल के बहुत करीब होवे। सेठ जी मैं चालू। हाँ सेठ जी एक बात और थोड़ा दिन आई ने संभाल के राखियो हो सके है मैं इन पाछो ले लूं। तू फिर आ गयो लाग गए है कड़कनो ही पड़े वो या बिना आ गई आफत। हे भगवान
अठे भी आ गई भगवान। हेलो भगवान, के है फरमान? हाँ लियाऊंगो फोन रख। अरे कट गयो हीरो, लागे है कड़क सिंह का कड़क अंदाज ने देख कर किसक लियो। ए सुनो। हाँ जी। हाँ साहब। कौन हो तुम, सीधे अंदर कैसे चले आए? मैं बिरजू लोहार, वो तो मन बड़ा मार्ट साहब से मिलनो है ना। तुम्हारा मतलब प्रिंसिपल? मैं ही हूँ प्रिंसिपल, बोलिए क्या काम है? मारा बेटा है जी रामू, बीखा दाखिला के लिए मैं आया हूँ। मारकन कुछ कुछ रुपया भी है, ये सब रख लो, बिन दाखिलो दे दो। अभी मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब तुम्हारी नासमझी पर तरस आ रहा है। सपने मत देखो, ये स्कूल तुम जैसों के लिए नहीं है। जितने पैसे तुम्हारे पास है उतने में तो बच्चे की ड्रेस तक नहीं आएगी। मैं तो इतो जानू साहब के यो माँ सरस्वती रो मंदिर है, पर यह बात अलग है, थे इन बनिए की दुकान बना दिया। कोई बात नहीं साहब जी, कोई बात नहीं, मैं और पिसा ले आऊं लो, पर मारा रामू ने अठे ही दाखिलो दिलाऊंगा। वैसे साहब जी, मैंने टीवी पे देखा था आप जैसे बड़ी स्कूल वाले गरीब बच्चों को फ्री में दाखिला देते हैं। वो स्कीम तुम जैसों के लिए नहीं है, जिनकी आज के समय में कोई पहचान नहीं है। मारी पहचान ने चुनौती ना दो साहब जी, मारी पहचान तो महाराणा प्रताप का जुक्स है। यहाँ बोलकर थे मारा हौसला ने कोने डिगा सको, क्योंकि माँ का हौसला तो मुगल सेना ही कौन डिगा सकी। बातें अच्छी कर लेते हो, लेकिन मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अनपढ़ जरूर हूँ साहब जी, पर इतना जरूर जानू हूँ कि शिक्षा का मंदिर में बैठा गुरु आपकी नहीं सोचता तो आज देश माई लाल बहादुर शास्त्री और अम्बेडकर जैसे लोग गरीबी में पढ़कर इतना बड़ा आदमी को नहीं बनिया होता। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना धक्के देके बाहर निकलवा दूंगा। चलता हूँ साहब जी, पर वापस जरूर लौटूंगा अपनी पहचान बताने और मारा बेटा रामू को हक दिलाने। जय राम जी की। हे मारा राम जी, के जमानो आ गयो है, लोग शिक्षा ने भी धंधो बना दिया। कोई बात को नहीं, मैं भी हिम्मत हारने वाला मासू को नहीं, मैं मारा रामूरो दाखिलो इससे भी बढ़िया स्कूल में कराऊंगो। के बात है भाया बिरजू, लॉटरी निकल गई है के? अरे नाना लाला जी, ए रुपया तो मैं मारा रामूरा दाखिला वास्ते ले आयो। लाला जी मजाक कर रहे हो के? ए पीसा तो मैं मारा रामूरा दाखिला वास्ते ले आयो, ए पीसा तो मन पाछे दे दियो। ना 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 ना, मने मूर्ख समझे के तू? जे आई भी लक्ष्मी तने पाछा कर दू? ना ना ना। और वैसे भी मदद तो मैं थारी ही कर रही हूँ ना। अरे तू सपना की दुनिया में जिंदगी जीवे, ईसा ना हो कि सपना के चक्कर में आकर के थारो कर्जो थारा छोरा ने उतारनो पड़े। बकवास बंद करो लाला जी, मारा पीसा मन पाछा दे दियो। ए तो मैं मारा रामूरा दाखिला वास्ते ले आयो, थारा पीसा तो मैं माल बिकता ही पाछा दे दूंगो। ऊंची आवाज नी, ज्यादा करियो तो पंचायत की सभा बुला करके और थारी इज्जत नीलाम करा दूंगो। चलो लाला जी, लाला जी मारा पीछा मन पाछा दे दो। लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी। लाला जी।
वो रामू, मैंने माफ कर दे रामू, मैं थारे वास्ते कुछ ही को नहीं कर पाया रामू, मैंने माफ कर दे। बापू तू कब से इतना कमजोर हो गया? बेटा मैं वक्त और तकदीर आगे हार को थारो बापू। बापू तू भूल रही हो है, तकदीर भी कोई साथ दे वह है जो जीत न जाने है, और जीते वही है जिन्हें हार से डर को नहीं लगे। हर रात रे पाछे सुबह जरूर हो वह है बापू, बस उजारे रहो इंतजार करना चाहे। समझ में आई मारी बात? अरे वाह भाई मारा मास्टर जी, कितनी बड़ी शिक्षा दे दी हो मैं। दिन भर खेल कर बहुत थक गया होगा ना। हाँ मैं तने एक गीत सुनाओ। सांसों की डोरी आंसू बंधी है, सांसों की डोरी आंसू बंधी है, आंसू ही मारी प्रीत रे, आंसू ही मारी प्रीत रे, सब चुमकी। मुबारक हो बिरजू, आप बाप बनने वाले हो। जी डॉक्टर साहब। अच्छा आपके पास जो बीपीएल कार्ड है वो जमा करवा दो, तो आपकी पत्नी को जो ये सरकारी योजना है उनका लाभ मिल जाएगा। पर डॉक्टर साहब मार्कन कोई कार्ड को नहीं। वो आप पंचायत में जाके बनवा लो, तब तक मैं आपकी पत्नी के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो आप समय पे देते रहना। राम राम बाबूजी, बाबूजी राम राम। मैं बिरजू गाड़िया लुहारू जी, और यह हमारी घराली झुमकी पेट से है। आ तो घनी खुशी री बात है, ला मिठाई खिला। जरूर बाबूजी जरूर, मिठाई तो मैं खिलाऊंगो, पर मारी एक समस्या है। के मैं कल झुमकी ने डॉक्टर साहब के लेके गयो। अच्छा। तो डॉक्टर साहब बोलिया एक पहचान पत्र बनवा कर लिया, वो है ना जिसे दवाया फ्री मिल जावे बीपीएल कार्ड। पण भाया यो बीपीएल कार्ड बना पर खातिर और भी कई दस्तावेज री जरूरत हुआ करे है, जो थारे कने कोनी। थे ठहरिया गाड़िया लुआर, मैं था कि कोई मदद कोनी कर सकूं, मने माफ करो और जाओ। आके बात हुई बाबूजी, थे जनता रा सेवक हो, और जनता री सेवा थे कौन करोगा तो कौन करेगो। ओ बहन जी जनता रा सेवक हाँ, पण थे गाड़िया लुआर तो जनता भी कोनी, थे तो इस देश में शरणार्थी हो शरणार्थी। समझ में आई मारी बात? निकलो बैठाऊ। और हाँ तू मारे ऊपर कोई कलेक्टर को नहीं जो थारा आदेश री पालना करूं, निकल बैठाऊ। चलो जी चलो, नहीं बनवाना कोई कारड़ वारड़। नारे झुमकी भाऊजी, सोच तो था कि शरणार्थी शरणार्थी, मैं तो इधर आ रहा सच्चा सपूत हूं, और माँ का बारा में पूछना चाहो तो राजस्थान री इधरती पूछो, सारे जवाब थाने अपने आप मिल जाओगा। और रही बात कलेक्टर री ना, भी कोई आदेश मानो ना, तो मैं मारी झुमकी की कसम खा के बोलूं मारो टाबर कलेक्टर ही बनागो कलेक्टर ही। जय राम जी की भाऊजी, चाल झुमकी। हाँ। ओके कर रही हो जी। अरे देख ना रही है गाड़ी ठीक कर रहे हूँ, जाना है क्यों? क्यों कलेक्टर साहब रे वास्ते, और के और कलेक्टर साहब जाने है कुण है? आने वालो मारो टाबर। अच्छा जी, तो थे ठाणी लिया टाबर ने कलेक्टर बनारी रहोगा। क्यों मारा वचन पे शक है? ना जी ना, था पे शक कर बासु पहली मारी जान चली जाए।
पण इतनी तैयारी क्यों? अपना समाज री परंपरा है कि अपना टाबर चालती गाड़ी में ही पैदा हुए ताकि वो वक्त की रफ्तार के सागे चाल सके। अच्छा जी, जे छोरी होगी तो के फर्क पड़े झुमकी, छोरी हो या छोरो, बिने बढ़नो तो कलेक्टर ही है। और देख झुमकी, फिर थे बनोगी कलेक्टर री माँ और मैं बनूंगा कलेक्टर रो बाप, और फिर आपन कोई कौन पूछनो कि आपनी पहचान के है। धड़के है से तू मारे सीने में, बिना थर कैसा मजा जीने में। धड़के है से तू मारे सीने में, थर बिना कैसा मजा जीने में। हरी राहें देखे है हमारी राधा, इतनी उतावली किया है? थे तो जल्दी चालो, शुभ खड़ी रो टाइम आ गयो। बिरजू भाई, भाभी रे पेट में दर्द उठ रियो है। काई बात कर रही है राधा? थे तो जल्दी से मारो कलेक्टर आगो, मारो कलेक्टर आगो, कलेक्टर कलेक्टर साहब, मारो कलेक्टर। ओके कर रहे हो बिरजू भाई? मैं बोली ही बैल लगाओ। ना राधा ना, गाड़ी में ही खींचूंगो। वो क्यों बिरजू भाई? वो इसलिए राधा, जय श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर बिगी राह की हर मुश्किल ने दूर करया, भैया मैं भी चाहूँ कि मैं हमारा टाबर के पग पग पर साथ रहकर बिको सारथी का रूप में साथ दे सकूं। चलो बस भाभी बस आगे हमारा कलेक्टर साहब, आगे आगे हमारा कलेक्टर साहब। झुमकी देखो बिरजू भाई, कितना प्यारो बेटो है थाको, बिल्कुल थारे जिसो। झुमकी तो कलेक्टर ही मां बन गई। कलेक्टर रा बाबू, इरे आजा मारा कलेक्टर, तू बने लो कलेक्टर। और हाँ, अब कोई कौन पूछ लो तेरा बापू सु कि थारी पहचान का ही है, तू सब ना अपने परिचय दोगो, है ना, है ना, है सबको सबको बताओगे कि तू मारो बेटो है। क्यों होगा भाभी? बिरजू भाई, भाभी राधा संभाल। क्यों हो झुमकी, क्यों हो? लागे राम जी रो बुलावा आ गयो। ना झुमकी, ओ कोनी हो सके? होना ना होना अपने हाथ में कोनी है। लागे हमारा नसीब में जीते जी कलेक्टर री मां बनना नहीं है, पण से कलेक्टर रो बापू जरूर बनोगा। ना झुमकी, ये कोनी होने दू, तू चिंता मत कर, मैं तन डॉक्टर के लेके चलूं। आ बाहर का ना,
झुमकी 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 झुमकी। क्या हो गया बापू? रामू कुछ ना हुए बेटा, कुछ ना हुए, तू चिंता मत कर। अब चाहे कुछ भी हो जाए पण थारो बापू तन थारी मंजिल तक पहुंचा कर रहोगो। बाप की तरफ तो देख, या को तो ख्याल कर तू। इधर देख, आत्महत्या करनो पाप है। अरे पाप तो इस समुदाय में पैदा होना है। ना रहन के लिए छत है, ना सोन के लिए बिस्तर। बात करो, अरे जीण के खाती पीसा के जोत पड़े पीसा की बिरजू भाई। हटे तो कोड़ी कोड़ी का मौत आ जाए। अरे कम से कम चकुन से मरवा तो मने। काना ओ काना, सुकून जाने सुकून कहे निकवे। अरे सच्चो सुकून तो बीम हुए जिम त्याग हुए बलिदान हुए, और सच्चो सुकून तो स्वाभिमान और अपना समाज रा मान सम्मान में है। तू जाने का ना महाराणा प्रताप और अपना बुजुर्ग अपना सम्मान रे खातिर सब कुछ त्याग दिया, बन बन भटक्या। बीम ही बाको सच्चो सुकून हो। अरे थे तो मारा युवा हो, थे सगला आज रा युवा अय्या वाणी का कदम उठावला तो आपनो वर्तमान खराब हो जैसी। अगर जी को वर्तमान खराब होवे तो बी को भविष्य भी खराब होवे। हाँ पण कहना आ बात साची है, वक्त आ गयो है, आपने जागनो है, उठनो है। ई निरक्षरता के खिलाफ, ई बेरोजगारी के खिलाफ, ई अज्ञान के खिलाफ अब वो वक्त आ गयो है कहना, जब आपने शंखनाद करनो ही पड़सी। देख काना, मैं तन समझा रही हूं। ऐ बूढ़ा माँ बाप थारे भरोसे है, अगर तू दोबारा इया वाणी को कदम उठायो ना तो देख मारा बीरा, मैं थारो मुंडो तोड़ दूला। चल माँ बाप से माफी मांग। अरे मने माफ कर दो, माफ कर दो मने, माजू गलती होगी। आपने माफ, जीवन ने एक नई दिशा देनी है, आपनो भविष्य आपना हाथा में है। चल चल आ जाओ। बिरजू आजकल लोगा की निजी जिंदगी में दखल दे बला क्यों है, लागे है इन्हें तो सबक सिखानो ही पड़सी। मारो भाई वो तूफान है जो बस्ती री बुराई ने खत्म कर रही है, बिना थे रोक सको हो ना थारा बुरा मंसूबा। दे दे ठीक है बे, रेडी। मैं आरती, रिपोर्टर राजस्थान टाइम्स, कैमरामैन अभय के साथ में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गाड़िया लोहारों की बस्ती में। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो आइए हम जानते हैं कि आज ये किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, इनके रहन सहन के बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार बहन जी, मैं रिपोर्टर आरती आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। आप ये बताइए आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? घणो ही टाइम हो गयो बहन जी। भैया आप बताइए सरकार के
किन किन संसाधनों और सुविधाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंच पा रहा है? बताइए बताइए, खुल के बताइए। हम आपकी आवाज समाज और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अरे हाँ मैडम जी, बंद करो थारी बकवास। क्यों माँ गरीबा को मजाक उड़ा रहे हो और कौन सी सुविधा और संसाधन की बात कर रहे हो? सब कुछ जानने के बाद भी की माने कौन सी सुविधा और कौन सा संसाधन है बात करो थे, फिर भी सुन बचाओ तो सुनो। है अठे सुविधा, बेरोजगारी, बीमारी, भुखमरी। अरे टाबरारी बात करूं तो शिक्षा तो सुपनो बन गयो है, सुपनो मैडम सुपनो, क्योंकि माँ का ना ही तो परिचय पत्र है ना ही राशन कार्ड। अरे मैडम बच्चा ने स्कूल में दाखिलो दिलावा तो जन्म प्रमाण पत्र मांग ले वे, जन्म प्रमाण पत्र। अरे एक कागज का टुकड़ा रो मोल इतनो है कि एक बाप रो मोल कोनी। अरे पी की जुबान रो कोई मोल कोनी मैडम। अरे वो बाप अच्छी तरह सु जाने मैडम के ऊ को टाबर कच्चन में हूँ। पर थाने काई है, थाने तो तमाशो बनाने से मतलब है, फोटो खींचो दिखाओ और धंधो करो। अरे मैडम तमाशो बनानो बंद करो, था लोगा की वजह से मैं मारी धरती पर शरणार्थी बन गया। और सुनो मैडम, मारी ठनक बासु पहली 800 निकल जाओ, नहीं तो मैं तो वास्तव में कोई सर फेरा है। अबे गाड़ी स्टार्ट करो, आगे तमाशो बना बैठे मन को अमिताभ बच्चन समझेंगे। तुम अभी मर जाते तो? मैडम जी मैं गरीब तो रोजाना ही मरिया करा। मैडम जी मैं शंकर, बिरजू था की घनी बेइज्जती करी और वो मारी भी बेइज्जती करे तो काई कसूर था को? ते गाड़िया लुहारा का बारा में ही तो पूछ रहा। मैडम जी ते मने था का नंबर दे दो, मैं थाने बताऊंगा गाड़िया लुहारा का बारा में, और भी बिरजू की पूरी हैगड़ी उतारांगा आपा दोनों मिलर। सोच कह दिया हो मैडम जी, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होवे दोस्त। इस पर कॉल करना। चलो अबे। भाई अच्छे खासे लो आ रहे हो, फिर ये गार्ड की नौकरी क्यों मांग रहे हो? साहब जी सब कुछ अच्छा खासा ही तो ना चल रहा है हमारा जीवन में। साहब जी बोलता बोलता जुबानी तक गई है साहब जी। ये बहाने कम से कम कोई माने भी साहब जी बोल देगो, पिडेली क्या साहब जी नहीं तो गार्ड साहब ही बोल देगो कोई। भाई आदमी तो बड़े दिलचस्प हो। यकीन करो साहब जी मैं काम भी चौको ही करूंगो। पर बात तो तू चौकी कर रहे हो है, लेकिन अभी जगह खाली है नहीं। हाँ मान सिंह, क्या श्याम बहादुर नेपाल चला गया अचानक? और क्यों? हाँ ठीक है मैं करता हूँ कुछ। यार किस्मत तो थारी चौकी है भाया, श्याम बहादुर नहीं तो तू ही सही। साहब जी इंसान तो आप अच्छा हो जो महाराज जैसा गरीब पे यकीन करिया। साहब जी एक बात और, कुछ अदला बदली करके मन स्कूल में लगा दियो। वो क्यों? साहब जी जीवन में एक ही तो पाप हुए हुए, पढ़ाई लिखाई तो करया को नहीं, अब ई बहाने शिक्षारा मंदिर में माथोई टेक ले आऊंगा। अच्छा है तुम्हारा इरादा भी और तुम भी, बेस्ट ऑफ लक साहब जी।